वर्ल्ड वॉर टू, ये विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ये दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा चला युद्ध था, जिसमें करोड़ों जाने गई। क्या सैनिक और क्या सामान्य जन सब गाजर मूली की तरह काटे गए थे। एक गुट था फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ और चीन, और दूसरा गुट था जर्मनी, इटली और जापान। इस युद्ध में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ था। इस युद्ध में 72,000 से ज्यादा अमेरिकी लापता हुए थे। हाल ही में अमेरिका ने यह दावा किया है कि उसने अलबामा में जन्मे एक सैनिक के अवशेष पाए हैं। ये सैनिक विश्व युद्ध दो के दौरान जर्मनी में लड़ते हुए मारा गया था। 26 साल के सैनिक नूसी रीव्स को 6 दिसंबर 1944 को वो सैनिक शहर के पास जर्मन सेना ने मार डाला था। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 Digital। डिफेंस POW MI अकाउंटिंग एजेंसी के अनुसार रीव्स उस समय मारा गया था जब उसकी यूनिट 8वीं इन्फेंट्री डिवीजन का हिस्सा थी। इस दौरान रीव्स ने जर्मन सेना का सामना किया था। रीव्स की मौत के तुरंत बाद ही जर्मन और अमेरिकी सेनाओं ने दोनों पक्षों को अपने मृतकों और घायलों को वापस लाने की परमिशन दे दी थी, और इसी के चलते एक संघर्ष विराम भी बुलाया गया था। इस युद्ध विराम के दौरान ही एक जर्मन अधिकारी ने अमेरिकी पक्ष को रीव्स के पहचान टैग दिए थे, जिससे ये पता चल पाया था कि ये सैनिक युद्ध में मारा गया था। हालांकि अमेरिकी सेनाएं लड़ाई फिर से शुरू होने से पहले उसके अवशेषों को बरामद करने में असमर्थ रही। इसके बाद जब 1945 में ये युद्ध खत्म हुआ, तब अमेरिकन ग्रेव रजिस्ट्रेशन कमांड, यानी वो खेमा जो मृतक लोगों की रजिस्ट्री करता है, उन्होंने 1946 और 50 के बीच हार्डजेन के जंगलों में कई बार जाँच की, या यूं कहें कई दौर की जाँच की, और ये पता लगाना चाहा कि आखिर रीव्स के अवशेष कहाँ है। लेकिन रीव्स के अवशेष कभी भी नहीं मिल पाए थे। साल 1951 में ये ऐलान कर दिया गया था कि रीव्स के शव या अवशेष बरामद नहीं कर पाए हैं। हालांकि साल 1948 में एक जर्मन के रहने वाले शख्स को कॉल गार्ज में घने जंगली ढलान पर किसी सैनिक की डेड बॉडी और कुछ अवशेष मिले थे। अमेरिकी संस्थानों को जब ये पता चला तो उन्होंने अवशेष बरामद किए और उसकी जाँच शुरू कर दी। लेकिन अमेरिकी अधिकारी सिर्फ इतना पता लगा पाए थे कि उस व्यक्ति की मौत नवंबर या दिसंबर 1944 में हुई थी, लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई कि आखिरकार वो रीव्स है या नहीं, और उस अवशेषों को सिर्फ X5770 नंबर करार दे दिया गया था। इसके बाद US डिफेंस के एक रिसर्चर ने इस मामले की फिर से पड़ताल की, और 2021 में इस पूरे केस की फाइल फिर से खुली, यानी X5770 नंबर वाले अवशेषों को फिर से खंगाला गया और उन पर रिसर्च चालू कर दी गई। DNA टेस्टिंग की गई और युद्ध के दौरान मिले कुछ सबूतों के जरिए उन अवशेषों की जांच की जा रही थी, और संयोजन ये था कि X5770 PFC रीव्स हो सकता है या नहीं। अगस्त 2022 में बेल्जियम में एक अमेरिकी सैनिक कब्रिस्तान से उनके अवशेषों को हटा दिया गया था। DPAA जो अमेरिकी रक्षा विभाग का हिस्सा है, उनके अनुसार सभी निर्धारित तारीख और स्थान पर उन्हें फिर से दफनाया जाएगा। सितंबर और दिसंबर 1944 के बीच कठिन हार्डजेन जंगल अभियान के दौरान 33,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक हताहत हुए थे, और DPAA के अनुसार ही 80,000 से ज्यादा अमेरिकी सेवा सदस्यों का अभी भी पिछले संघर्षों से पता नहीं चल पाया है, जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के 72,115 सदस्य भी शामिल हैं। पिछले ही साल जांचकर्ताओं ने अवशेषों के कई सेटों की पहचान की, जिनमें जर्मनी में मारे गए एक टैंक कमांडर और सिसिली में उसके बम वर्षक को मार गिराए जाने पर सेना वायुसेना के पायलट की मौत भी शामिल थी। यानी अवशेषों का पता चल गया है और रीव्स की पहचान हो गई है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 Digital पर।